हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस साल बहुत ईवी व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत अच्छे रेट्स में लॉन्च हो रहे हैं, काफ़ी लोग इसको लेने की भी सोच रहे हैं। तो हम थोड़ा सा फटाफट आज हम एक कॉस्ट एनालिसिस करेंगे सेम मॉडल का पेट्रोल कार का एंड उसका ईवी वेरिएंट। जो नए व्यूअर्स आए हैं मेरे इस चैनल पे, वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे जो अपडेट्स आए आपको तुरंत मिल जाए, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ हम जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर टाटा टियागो पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का हम देख लेते हैं। पहले हम कॉस्ट एनालिसिस पेट्रोल इंजन का करते हैं। तो पेट्रोल कार जो ये जो मैंने बोला मॉडल, ये करीब करीब आपको ऑन रोड पड़ जाती है 7.5 लाख की। तो अगर ये 15 का भी एवरेज देती है, हमको माइलेज देती है, और अगर आप हमारा मंथली रनिंग 800 किलोमीटर्स है, तो करीब करीब हमारा 53 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंज्यूम होगा। और मेरे स्टेट में, यहाँ उड़ीसा में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 105 रुपीज़ है। तो अगर मैं इसको ड्राइव करती हूँ हर महीने 800 किलोमीटर्स, तो मेरी जो अमाउंट जो खर्च होगी इसके लिए, फ्यूल कंजम्पशन के लिए, वो अराउंड खर्च होगी 5,500, 5,565। तो ये होगी मंथली मेरा कंजम्पशन हो गया। अब मैं अगर ईयरली देखूँ तो इसका मेरा कंजम्पशन आ जाता है, इतना एक्सपेंडिचर जो फ्यूल कंजम्पशन के लिए आ जाता है, वो करीब करीब आ जाएगा 66,780। तो ये इतना मेरा ईयरली फ्यूल कंजम्पशन हो जाएगा व्हीकल परचेज करने के बाद। और अगर इस व्हीकल का मैं जब मैं परचेज करने जाती हूँ और मैं 2 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट करती हूँ, एंड बाकी अमाउंट 5.5 लाख जो अमाउंट है, अगर मैं उसको फाइनेंस करती हूँ, कार लोन लेती हूँ एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट, और 5 ईयर्स, मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए कार लोन लेते हैं सभी लोग, तो उसमें मेरा EMI करीब करीब आ जाता है 11,500 करीब EMI आ जाता है। और इसका इंटरेस्ट जो मेरे को लगेगा इस अमाउंट पे, जितना मैं फाइनेंस करती हूँ, 1,35,000 अराउंड इंटरेस्ट मेरा पड़ जाएगा। अब हम अगर यही जो एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, ईयरली एक्सपेंडिचर पेट्रोल के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर मैं उसको 8 ईयर्स के लिए अगर व्हीकल रखती हूँ, तो मेरा कितना एक्सपेंडिचर होगा कैलकुलेट कर लीजिए, नियर अबाउट 5,34,000। अगर मेरा पेट्रोल का प्राइस सेम रहा, तो अगर बढ़ गया तो ये एक्सपेंडिचर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो करीब करीब जितने की मैंने कार खरीदी, उसके बाद मैंने EMI दी, एंड उसके बाद मैंने पेट्रोल के लिए भी मेरे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। ये तो मेरा अभी मेरे को जो कॉस्ट एनालिसिस करके समझ में आया कि पेट्रोल का जो रनिंग कॉस्ट है वो हायर है, दो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है वो लो है। अब हम कंपेयर करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं उसी का ईवी वेरिएंट का, टाटा टियागो ईवी वेरिएंट का। तो अगर टाटा टियागो में देखा जाए, तो ऐसे तो दो वेरिएंट आते हैं, दो बैटरी ऑप्शन आते हैं, एक शॉर्ट रेंज के लिए, एक लॉन्ग रेंज के लिए। तो अगर हम उसका जो 24 किलोवाट आवर्स वाला जो बैटरी है, उसको हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसकी ऑन रोड जो प्राइस होती है वो नियर अबाउट 10.6 लाख आ जाती है ऑन रोड। और ये जो वेरियंट है, ये 315 इसका क्लेम रेंज है कि एक बैटरी में 315 किलोमीटर दी जाती है, बट रियल अगर हम कंसिडर करें तो हम 280 एक फिगर मान के चलते हैं कि ये हमको वन चार्ज में 280 किलोमीटर्स बैटरी, वन चार्ज में ये 280 किलोमीटर्स रनिंग हमको देगी। तो अगर मेरा फिर से वही एग्जांपल हम करते हैं, अगर मेरा मंथली रनिंग 800 किलोमीटर्स है पर मंथ का, तो हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम होगा। तो 24 किलोवाट आवर्स माने हमको 24 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको इसको चार्ज करने के लिए लगेंगी। 800 किलोमीटर्स रनिंग के लिए हमको नियर अबाउट 72 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम होगी। कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 6 है, 7 है, 8 है, 9 है किसी किसी स्टेट्स में। अगर मैं इसको ऑन रफ फिगर 7 लेके कैलकुलेट करती हूँ, तो मेरा मंथली कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा कितना होगा, गेस करिए। सिंपल है, 72 × 7 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 504 पर मंथ। एंड यही अगर साल भर मेरा कंटिन्यू रहता है, इस इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस साल भर इतनी ही रहती है, तो मेरा ईयरली जो एक्सपेंडिचर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के लिए, वो आ जाएगा 6,000 रुपये।
नियर अबाउट 6048 आएगा। तो कहाँ मेरा 6000 रुपये पर मंथ पेट्रोल में कंजम्पशन हो रहा है एंड कहाँ मेरा बैटरी कार में मेरा रनिंग कॉस्ट कितना कम आ जा रहा है, जहाँ पर मंथ एंड यहाँ पे ईयरली मेरा उतना कॉस्ट आ रहा है। तो पॉकेट पे हुई ना लाइट, बहुत लाइट पड़ेगी, रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम पड़ेगा। और अगर यही कैलकुलेट करती हूँ मैं 8 ईयर्स, क्योंकि 8 ईयर्स जो होती है वारंटी रहती है हमारी बैटरी पे, बैटरी लाइफ पे वारंटी रहती है, तो 8 ईयर्स अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अगर सेम रहता है ₹7 के लिए, तो हमारा नियर अबाउट 48,000 रुपीज़ 8 साल में हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेमेंट करेंगे। तो वहाँ पे हम 5 लाख रुपये 8 साल में पेमेंट कर रहे हैं पेट्रोल को यूज़ करने के लिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं नियर अबाउट 48,000। और हायर साइड आप 50,000 भी मान लीजिए, 8 साल में 50,000, बाप रे, पॉकेट को बहुत ही लाइट पड़ेगी। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इनिशियल कॉस्ट कम है पेट्रोल इंजन की, यहाँ पे ईवी व्हीकल की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। अगर हम मैं 2 लाख डाउन पेमेंट करती हूँ एंड 10.6 जो ऑन रोड है, 8.6 मेरा मैं बैंक से फाइनेंस करती हूँ सेम 9% इंटरेस्ट में 5 ईयर्स के लिए, तो मेरा मंथली ईएमआई जो आ जाएगा नियर अबाउट 18,000 रुपीज़ आ जाएगा एंड इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2,11,000 रुपये। तो अगर किसी को ईवी व्हीकल लेना है तो इस तरह से आप अपना कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, आपका जो भी पसंद का जो गाड़ी है उसको एनालिसिस करिए, देखिए वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, आपकी पॉकेट को तो डेफिनेटली वो सूटेबल रहेगा। रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी सारी जगह इंडिया में हर लोकेशन पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए हैं, अभी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नियर अबाउट 5 to 7 ईयर्स में हो जाने चाहिए। और ईवी व्हीकल का एक डिसएडवांटेज आज की डेट में ये है कि 300 किलोमीटर्स की जो रेंज मिल रही है एक्चुअल रेंज जो हमको मिलेगी वो डिफरेंस आता है, तो हमको एक ट्रैवल एंग्जाइटी एक हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जब आप पेट्रोल फिल करने जाते हैं हार्डली 5 to 10 मिनट्स में आपका टैंक फुल हो जाता है एंड आप फिर से अपने ट्रैवल जर्नी के लिए ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको बीच में कहीं चार्ज करना पड़ा अपनी कार को, ईवी कार को, तो आपको कम से कम 1 घंटा उसके लिए, 1 आवर उसके लिए अपने ट्रैवल टाइम से निकालना पड़ेगा। एंड कहीं मौसम ख़राब हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, कहीं पे कुछ इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आपको मतलब कहीं पे वो चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला, तो वो एक एंग्जाइटी बनी रहेगी एंड ट्रैवल का मज़ा ज़रूर ख़राब हो जाएगा उसमें। बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप खुद अपने आप से एनालाइज़ करिए, आपके लिए क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ईवी कार सही है कि पेट्रोल कार सही है ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप क्या पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।